आवाज सीधा दिलों पर दस्तक देती है। आप गेस नहीं कर सकते, पर मैं बताती हूँ, एक बहुत ही मोहक आवाज के साथ साथ मोहक सूरत की भी मालकिन है, और उनका नाम है अन्वीशा। और उनके साथ हैं ऋषिकेश रेनाडे, जिनकी आवाज के बारे में कुछ भी कह पाना वाकई सूरज को दीपक दिखाना है। आप दोनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अन्वीशा जी एंड ऋषिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। कहते हैं जब दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ नया धमाका करते हैं। आप दोनों लोग भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बताइए अपने दर्शकों को कि आप लोग क्या लेके आए हैं। धमाके का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जब मिलते हैं तब म्यूजिक की ढेर सारी चर्चा होती है और ढेर सारा नया म्यूजिक भी होता है। और जैसे कि इस बार जब हम मिले तब मैं एक मराठी फिल्म के लिए म्यूजिक दे रही थी, और उससे आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक हमने साथ में एक हिंदी पिक्चर के अंदर हमारा एक साथ में प्लेबैक आ भी चुका था, सीतारमम। तो जिस सिलसिले में जा हम लोग रिकॉर्डिंग में मिल चुके थे, एंड आई वाज वेरी वेरी मैं उनकी आवाज़ की बहुत पहले से ही सालों से फैन रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके साथ उस फिल्म के अंदर गाना गा के। और आमने सामने हमारी मुलाकात भी हुई थी पहली बार ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। और जब ये फिल्म मेरे हाथ लगी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंपोजर, तब जब फिल्म, हालांकि स्टोरी के हिसाब से चलूं तो ये गाना जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत बाद में आता है, लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में गाने बनाए, इफ जी आई टॉक अबाउट दैट, तो ये गाना मैंने सबसे पहले बनाया था जिस गाने की मैं अभी बात कर रही हूँ। इट्स द सैड सॉन्ग इन दिस मराठी फिल्म पाई जे जाती चे, ओके विजय तेंदुलकर की एक बहुत पॉपुलर प्ले है पाई जे जाती चे। उसको एक फिल्म में रूपांतरित किया गया है नरेंद्र बाबू सर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रोड्यूसर का भी, मल्लिकार्जुन गजरे, जिन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी दे टुक अ रिस्क टू मेक अ फिल्म ऑन दैट प्ले। तो बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझ पर फेथ रखा, बिकॉज इन इन द लाइन इन दिस स्फीयर ऑफ म्यूजिक डायरेक्शन आई एम क्वाइट न्यू एंड इन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे चुना और दे चोज मी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उनको पूरा भरोसा था कि उनको अच्छा म्यूजिक मिलेगा, स्पेशली माई डायरेक्टर। तो जिस गाने की मैं बात कर रही थी वो उस गाने को गाया है ऋषिकेश जी ने, एंड आई विल लेट हिम डू द रेस्ट ऑफ द टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स। ऋषिकेश जी, मतलब अन्वीशा जी ने तो बहुत कुछ कह दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में? या फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अन्वेषा फॉर एंटायरली डूइंग अ फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड स्कोर, बिकॉज बोथ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सच ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और शी डूइंग बोथ ऑफ देम इज रियली कमेंडेबल, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी के शी ट्रस्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ टू ब्यूटिफुल सॉन्ग्स विच शी हैज कम्पोज। एनी न्यू सॉन्ग कमिंग योर वे इज ऑलवेज सच अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट आई वुड से, एंड आई एम फॉर्चुनेट इन दैट वे टू गेट टू सिंग अनदर टू ब्यूटिफुल सॉन्ग विद टू गुड लिरिक्स सेट्स। तो एक जो सॉन्ग है जो अन्वेषा स्पोक अबाउट, इट्स अ सैड सॉन्ग विच आई हैव संग इन दिस फिल्म, और एक ड्यूएट है जो मैंने और अन्वेषा ने मिलकर गाया है, ऑल्सो अभय इज पार्ट ऑफ दिस फिल्म विद टू सॉन्ग्स। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग विथ अन्वेषा, बिकॉज शी इज सो मच फोकस्ड एंड सो मच लाइक कन्विंस्ड एज अ कंपोजर अबाउट हर सॉन्ग्स एंड वॉट शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ सिंगर। उसमें क्या चाहिए, क्या चीजें, मैं परसों भी बोल रहा था कि क्या चीजें नहीं चाहिए, वो भी शी इज एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दैट। इतना ही चाहिए, दिस एक्सप्रेशन आई वॉन्ट, दिस टोनैलिटी आई वॉन्ट इन दिस सॉन्ग। सो ऑल दीज थिंग्स मेक, एज अ सिंगर आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस कि जब मैं माइक पे जाता हूँ तो अगर कंपोजर वहां से इज दैट मच क्लियर, इट हेल्प्स यू एज अ सिंगर। सो विद वॉट अप्रोच एंड विद वॉट वॉइस यू हैव टू रेंडर इन दिस सॉन्ग, सो दैट वे आई एंजॉयड बोथ ऑफ दिस सॉन्ग्स सिंगिंग। एंड अनदर थिंग, एज अ कंपोजर शी मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। कुछ लोगों की थोड़ी सी कभी कभी टेंडेंसी होती है कि एक टेक अच्छा हुआ भी हो,
लेकिन जस्ट एज अ सेफ्टी और दो तीन टेक्स लेके रखे तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि यू टेंड टू लूज बिट ऑफ एनर्जी इन दिस सॉन्ग, क्योंकि द रिपीटेटिव टेक्स दैट वो स्पाइस उसमें से कभी कभी निकल जा सकता है. सो इट बिकम मोर वेरी टेक्निकली नाइस एंड सुपर, बट एक्सप्रेशन वाइज कभी कभी वो निकल जाता है. लेकिन इन केस ऑफ अन्वेषा शी इज ऑलवेज कीन ऑन टेकिंग द बेस्ट टेक इफ शी गेट इन फर्स्ट और सेकेंड वन. So that makes you also assured and comfortable as an artist on mic. So these are very beautiful things which I experienced as a part of this thing. वाह थैंक वंडरफुल. मैं इतनी देर से सॉन्ग की बात हो रही है, दोनों लोग आप लोग सामने हैं तो दो लाइंस तो बनती है ना. यू. या अन्वेषा प्लीज. अच्छा मैं पहले गा. ओके सो जिस गाने को लेकर मैंने बहुत बड़ा एक इंट्रो दिया वही थोड़ा कोशिश करती हूँ. हालांकि फिल्म के अंदर ये मेरी आवाज में नहीं है, इट्स अ मेल सोलो जो ऋषिकेश भैया ने गाया है एंड फिर भी एक अकोस्टिक वर्जन भी है. तो ये और एक ड्यूएट इसमें जो मैंने और अन्वेषा ने मिलके गाया है, तो उसकी दो लाइंस मैं गाता हूँ. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग. अपना इश्क तो मस्ताना, कशा समझती होशियारी, मस्त मनी से जग तो आमी, आम कसरी दुनियादारी, आमस कसली दुनियादारी, आमस कसली वाह दुनियादारी. क्या बात है. वाह थैंक यू. वैसे सिंगर साथ हो तो मतलब यू नो आपकी एज अ कंपोजर इट्स सच अ डिलाइट टू हैव अ ब्रिलियंट स्किलफुल सिंगर हु कैन इमोट योर सॉन्ग्स वेल. तब ऐसा लगता है कि मेरा मेरा गाना गाने एक गाना बनाने के पीछे जो आपका हार्ट एंड सोल ब्रेन जो लगा है, आई थिंक ऑल ऑल ऑफ दैट स्वेट इज वर्थ. ऐसा लगता है व्हेन अ गुड सिंगर कम्स थैंक ऑन. यू. थैंक्स सो मच. आजकल की सिंगिंग जो हो गई है बड़ी फास्ट हो गई है, लाइफ की तरह गाने आते हैं चले जाते हैं. बड़े लोग तो आजकल मतलब जो पुराने सिंगर्स हैं उनका ये कहना है कि आजकल लोग गले से नहीं इंस्ट्रूमेंट से गाना गाते हैं, गिटार है बहुत सारी चीजें, आजकल तो लोग मोबाइल पे गाने भी बना लेते हैं. तो क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऋषिकेश भैया पहले आप. या अभी सी द देर आर ऑलवेज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एवरी स्टेज. आई फील कि आज यस दिस इज अ थिंग कि इतना म्यूजिक प्रोडक्शन हो रहा है, इतने सारे गाने आ रहे हैं, एंड टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से भी या देर इज अ लिटिल पॉइंट इन व्हाट यू से कि म्यूजिक प्रोडक्शन अभी यू कैन डू फ्रॉम योर होम सेटअप ऑल्सो. लेकिन अभी एक बात ऐसा है टू जो गाने चलते हैं लाइक वी कॉल एज शेल्फ लाइफ फॉर एनी सॉन्ग, तो जिसकी लिरिकल, ये मेरा मानना है कि जिसकी लिरिकल और द म्यूजिकल कंटेंट वैल्यू अच्छी है,
तो वो सॉन्ग्स काफी सालों तक चलेंगे और पीपल विल फील लाइक लिसनिंग देम ओनली जस्ट द ऑडियो अगेन एंड अगेन. अभी मेनी अ सॉन्ग्स आर टुडे हैमर्ड बिकॉज ऑफ द वीडियोस आल्सो. तो दे आर प्रिपेयर्ड विद सम वाइब्रेंट वीडियोस एंड टेक्निकल सपोर्ट की वजह से दे जस्ट कीप बम्बार्डिंग ऑन यू. द सॉन्ग्स आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट. लेकिन जिसकी कंटेंट वैल्यू अच्छी है, जिसमें एक रूह है गानों में, लिरिकली है, म्यूजिकली है, तो वो गाने डेफिनेटली यू विल फील लाइक सिंगिंग और लिसनिंग टू देम अगेन एंड अगेन फॉर इयर्स अलोंग. तो ये बात है. एंड यस, डेफिनेटली टाइम इज चेंजिंग, ट्रेंड्स आर चेंजिंग, तो इन चीजों के साथ थोड़ा विल हैव टू कैरी ऑन. कि बहुत सारे गाने आ रहे हैं, किसी एक गाने को वो स्पेस ही नहीं आज मिल रही कि लोगों तक पहुंचे. उसको अच्छा है या नहीं पसंद आ रहा, तो नहीं पसंद आ रहा ये स्टेज आने के लिए भी टाइम नहीं है किसी के पास. सो मेनी सॉन्ग्स आर जस्ट दे आर जस्ट लॉस्ट इन दिस रेस, आई फील. लेकिन सी, दिस इज द थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू स्ट्राइव टूवर्ड्स मेकिंग गुड सॉन्ग्स, प्रोमोटिंग गुड सॉन्ग्स एंड क्रिएटिंग गुड सॉन्ग्स. ओनली दैट इज द थिंग विच यू कैन डू, आई फील. तो अन्वेषा जी, वाह, आप क्या कहेंगी? आई अग्री विथ वॉट ही सेड. आई थिंक सो मेनी फिल्म्स आर बीइंग चर्न्ड आउट. अगर ओटीटी और थिएट्रिकल मूवीज को कम मतलब नंबर ऑफ फिल्म्स कंबाइन करेंगे इन ऑल प्लेटफॉर्म्स, देर आर सो मेनी मतलब कंटेंट की बारिश हो रही है आज की डेट में. और उसके ऊपर से है इंटरनेट. इंटरनेट में देर आर सच इनक्रेडिबल कॉन्टेंट क्रिएटर्स. और इंटरनेट की अगर बात करूँ तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स का कंटेंट हमें देखने को मिलता है. और खास करके मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या म्यूजिक ही नहीं है, लेकिन इट इज बीइंग प्रेजेंटेड एज म्यूजिक, जो बेसिकली नॉइज है मेरी नजर में या मेरे कानों को नॉइज लग रही है. मे बी इट इज म्यूजिक फॉर समबडी एल्स, तो उसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है. इट्स नॉट मैप कि मतलब 2 + 2 = 4 इज द राइट आंसर. ऐसा कोई यार्ड स्टिक नहीं है. इट्स मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया कि ये फुलफिल करने से ही आपका गाना एक अच्छा गाना अच्छे गाने की क्राइटेरिया में रखा जाएगा. ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है. दैट इज व्हाई इट बिकम्स इट्स नॉट इट्स इनटेंजिबल. इसलिए ये कहना बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है. आई मीन आर्ट इटसेल्फ, फाइन आर्ट्स एक ऐसी एरिया है जहाँ पे चीजें बहुत सब्जेक्टिव है. तो इसलिए अ लॉट ऑफ थिंग्स विच प्रोबली शुड नॉट क्वालिफाई टू बी इन दैट जोन. ऐसी चीजों के साथ भी अच्छी चीजों को कम्पीट करना पड़ जाता है, अनफॉर्चुनेटली. सो वेरी इट्स लाइक दैट. सो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आज की डेट में जैसे कि इंटरनेट का ये कॉन है, इंटरनेट के प्रोज भी बहुत सारे हैं. इंटरनेट इज वेरी एम्पावरिंग फॉर न्यू आर्टिस्ट, जो आज की जनरेशन के बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल सपोजिटली टीन्स में है अपने, जो कॉलेज में है, जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं आगे चल के. कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स है, लेकिन सपोजिटली दे डू नॉट मैनेज टू क्रैक इट इन दे डू नॉट मैनेज टू गेट अ बॉलीवुड सॉन्ग, जो एक एक सो कॉल्ड फॉर्मेट है सक्सेस का, लाइट म्यूजिक के फील्ड में, कि आप एक बड़ी फिल्म में आपका कोई गाना आ गया, दैट इज अ सो कॉल्ड फॉर्मेट. अगर उस फॉर्मेट में आप एक्सेल नहीं कर पाते हो तो भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, जैसे कि यूट्यूब. यूट्यूब से कितने सारे सिचुएशंस आ रहे हैं जो बाद में इंडस्ट्री नोटिस करने पे मजबूर हो जाती है. इफ यू हैव अ लिसनर बेस ऑफ योर ओन, इफ यू कैन पुट आउट योर कंटेंट, अपना अपना एक चैनल बना के उसमें अपना कंटेंट डालते हो, तो उसमें कोई बंदिश नहीं है. सो इंटरनेट इज फ्री, एनीवन कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म टू देयर एडवांटेज, तो वो भी एक बात है. तो वी हैव टू आई थिंक मूव विद द टाइम्स, और आगे चल के हमारा हम कितना रेलिवेंट है, आवर वर्क विल टॉक अबाउट, आवर वर्क विल स्पीक. उसके लिए काफी अभी से इट इज टू क्विक टू जज. मतलब हर एक ईरा में कुछ ना कुछ अच्छा काम तो होता ही है, कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी काम आर्टिस्ट करके ही जाते हैं.
सो वो आगे चल के पता चलेगा, जब शायद मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तब के यंगस्टर्स जो होंगे आई थिंक वो उसका जजमेंट करेंगे कि हम एक्चुअली कुछ रिमार्केबल काम कर पाए हैं या नहीं. सो ये ऐसे इंस्टेंटली कोई गाना वायरल होने से आई डोंट कॉल इट अ सक्सेस, इट्स जस्ट अ रन अवे हिट. उससे आपका गाना कोई टाइमलेस क्लासिक नहीं बन जाता है, यू नो. बट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकम वायरल, बट लग जा गले इज अ टाइमलेस क्लासिक, बिकॉज उसमें वो पोटेंशियल है एक क्लासिक बनने के लिए. तो आई थिंक लोगों को, पीपल शुड स्ट्राइव फॉर यू नो डूइंग गुड वर्क, क्वालिटी वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के वही रहेगा. हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कई चीजों को प्रमोट की जा रही है विच आर नॉट, विच यू नो डू नॉट, विच आर नॉट अप टू द मार्क बेसिकली, आई विल बी ऑनेस्ट. बट आगे चल के इस रेस में वही चीजें रह जाएंगी. आई पर्सनली बिलीव कि टाइम इज ऑलवेज काइंड टू द ग्रेट, सो इट्स अ रे ऑफ होप फॉर पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क, क्योंकि इवेंचुअली याद रखा जाता है हमें. अन्वेषा, आपकी जर्नी की बात करेंगे वॉइस ऑफ इंडिया से नाउ म्यूजिक कंपोजर तक, अब तक की जो लाइफ रही, इस जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव किया है. बहुत कुछ का तो नहीं पता. जैसे जैसे मतलब मेरे सफर में जिस तरह से काम असाइनमेंट्स आते गए, मैं करती गई, काम करती गई. सो आई हैव ऑलवेज स्टेड वेरी वेरी लॉयल टू माय प्रोफेशन. अप्स एंड डाउन्स भी आए. कई गाने, काफी बार हिंदी फिल्मों में जितने गाने मैंने गाए हैं उससे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं. कुछ गाने रिप्लेस हो जाते हैं सिंगर्स के, और आई एम नॉट द एक्सेप्शन. मतलब जब एक एक इंडस्ट्री का एक कल्चर बन जाता है तो वो सीनियर सिंगर्स को भी फेस करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी रेस्पेक्टफुल. लेकिन जब आप, जैसे कि मुंबई की ट्रैफिक है, आपको उस भीड़ से गुजर के ही घर पहुंचना है. आप मैं तो उड़ के नहीं जा सकती ना, तो ट्रैफिक का हिस्सा बन के ही मुझे घर पहुंचना होता है. सो आई गेस पीपल जस्ट लर्न टू चूज देयर बैटल्स ओवर टाइम. और मैंने भी सीखा है कि कौन से बैटल्स इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है. क्योंकि कुछ कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो अगर ना भी लड़ो तो यू नो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ बैटल्स ऐसा है कि काफी, एक वन वॉइस के नॉट मेक अ डिफरेंस. तो उसमें काफी लोगों की यूनिटी की जरूरत पड़ती है एक कलेक्टिव कल्चर को बदलने के लिए. तो अनलेस एंड अंटिल सिंगर्स यूनाइट फॉर देयर ओन रेस्पेक्ट, तो कोई एक सिंगर के लिए वो मुश्किल है उस चीज को चेंज करना. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन लकी. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं पॉजिटिवली, सो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट फील करती हूँ उन संगीतकारों के प्रति जिन्होंने इतने सालों तक अलग अलग भाषाओं में मुझे अच्छे अच्छे गाने दिए. एंड दे आई थिंक दे हैव काइंड ऑफ शेप्ड अप द सिंगर इन मी. क्योंकि जैसे कि रहमान सर, विद्यासागर सर जैसे कंपोजर्स हैं, इस्माइल सर सर जैसे कंपोजर्स हैं, जब ऐसे महारथी कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया है तो वो क्यों ग्रेट है तभी पता चला है. कि हालांकि उनकी म्यूजिक से तो हम सब जानते ही है कि वो क्यों ग्रेट है, लेकिन व्हेन आई एक्चुअली विटनेस देम एज म्यूजिशियंस इन द स्टूडियो, तब उनके वर्किंग स्टाइल से हर एक के अलग अलग कुछ, हर एक से अलग अलग कुछ क्वालिटीज मैंने इनवाइट करने की कोशिश की. और खास करके पिछले 4-5 सालों में आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कंपोज म्यूजिक, जो पहले नहीं था. पहले मैं सिर्फ अप्रिशिएट करती थी, जब सिर्फ गाती थी तब सिर्फ मुझे अप्रिसिएशन ही आता था. लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि एक गाना बनाना कितना मुश्किल काम है, एक नया गाना लिखना, एक पोएट्री वाइज एक नए थॉट को लेके आना, इवन फॉर द लिरिसिस्ट इन इन जस्ट हिंदी सिनेमा बट इन इंडियन सिनेमा रीजनल को भी मैं एक ही अम्ब्रेला में पकड़ूंगी. सो आई मीन व्हाट इनक्रेडिबल इनक्रेडिबली टैलेंटेड पीपल वी हैव. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लेटली मैंने भी
ये ये फोर्स ज्वाइन किया है कि मैं भी कभी कभार खुद इंडिपेंडेंट म्यूजिक करती हूँ। और इस कंपोज करने के सफर में आई गॉट लकी कि मेरे हाथ फिल्म के प्रोजेक्ट्स भी आए, जैसे दो बंगाली फिल्में मैंने की है अब तक, उसमें गाने किए हैं। एंड मराठी फिल्म जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, पाई जे जाती चे, पाई जे जाती चे में गानों के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोरिंग का भी मुझे, जिसका पहले अनुभव नहीं था, उसमें भी काफी कुछ सीखा मैंने। सो एज एन आर्टिस्ट आई एम हैप्पी कि मुझे काफी लोगों में टैलेंट होता है। इंडिया ऐसा देश है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ऐसे लोग मेरे सफर में मेरा साथ दे रहे हैं, सो दैट माई टैलेंट्स कैन, द डिफरेंट साइड्स इन मी, जो क्रिएटिव साइड्स है अलग अलग, दैट कैन शाइन ओनली व्हेन यू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। काफी लोगों को वो मौका नहीं मिल पाता है, जी सही नहीं, समय सही उस बात मौके की तलाश में वो उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सो आई जी। ऑलवेज फील दैट लक इज ऑल्सो ग्रेट फैक्टर, सिर्फ टैलेंट नहीं, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब इस एज में, अपनी अपनी 20s की लास्ट पड़ाव में हूं मैं अभी, सो इस एज में आके जो मेच्योरिटी की है, मुझे लगता है कि लक इज अ ह्यूज थिंग। लेकिन फिर भी आई थिंक टैलेंटेड और हार्डवर्किंग जो लोग होते हैं, आई थिंक देर से ही सही, लेकिन सक्सेस कभी ना कभी कामयाबी आई थिंक उनके कदम चूम चूम लेती है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट 15-16 साल से आई हैव मैनेज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री एंड सर्वाइव डिसेंटली, आई वुड लाइक टू बिलीव, अच्छे गानों के साथ विद अ गुड फैट बॉडी ऑफ वर्क, विद सम ग्रेट प्लेबैक्स इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। एंड होपफुली आगे चल के इस जर्नी में मुझे एज अ सिने कंपोजर भी लोग एक्सप्लोर करेंगे और मैं भी खुद को एक्सप्लोर करूंगी। अन्वेषा जी, आपकी जो जर्नी है, आप मतलब आपने बोला ना फिल्मों में भी आपने काम किया, और ये तो ये जो मल्टी टैलेंटेड टास्क है, इसका क्या राज है, इसका क्या सीक्रेट इसका कुछ है? राज नहीं है, इसका कुछ राज नहीं है। आई एम थैंकफुल टू माई मॉम, जिनके जीन्स की वजह से मुझे संगीत मिला। एंड इट्स कम्प्लीटली जेनेटिक आई बिलीव। मतलब कला एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप आते हो, और ये गिफ्ट है। हाँ, उस गिफ्ट को आप किस हद तक नर्चर कर पाते हैं और मतलब परिस्थितियां कैसी है आपकी लाइफ में, काफी लोगों को फैमिली की ओर से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जी ताकि कि मेरी फैमिली ने मेरे एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया, और साथ साथ मेरा जो वाकई में इंटरेस्ट था कि इस फील्ड में कुछ कर दिखाने का, उसमें भी पूरी तरह से मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। हालांकि ऐसे प्रोफेशन में एक यंग एज में शुरू करने के फायदे होते हैं, लेकिन काफी रिस्क भी है, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी दे अलाउड मी टू परस्यू माई ड्रीम्स। तो मैं लकी हूँ कि सर्कमस्टेंसेस हैव ऑल्सो बीन कंड्यूसिव फॉर माई ड्रीम्स। सो काफी लोगों के नहीं होते हैं, so I'm lucky that way, I would like to say. मेरा अगला क्वेश्चन ऋषिकेश जी से है कि सर, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर। मैंने अभी आपके बारे में जब सर्च करना शुरू किया तो आपके बारे में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है और आप गाते जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा। आप मतलब अपने जो फेसबुक पे आपने शायद कुछ रील्स वगैरह अपलोड किए या क्लिपिंग्स लोड की हैं तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो कहते हैं कि मतलब उन लोगों का कहना है, मेरा नहीं, ऑडियंस का कहना यह है कि इनको थोड़ा ट्राई करना चाहिए स्क्रीन पर भी। आपने टीवी के लिए भी गाया वगैरह है इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम फॉर्चुनेट कि लोग पसंद करते हैं, इट्स लाइक गॉड्स ब्लेसिंग आई वुड से। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि वो मतलब इतना प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम मतलब ऐसा कोई टेलीविजन पे ट्राई करना ये सब मेरे कभी मन में आया नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट रियली गुड एंड कंफर्टेबल इन दैट। तो मैं आई एंजॉय बीइंग इन म्यूजिक ओनली। एंड इवन लाइक ये बात अभी निकली तो इवन देर आर व्हेन व्हेन देर आर म्यूजिकल शूट्स आल्सो, जी शूट में भी आई एम नॉट दैट मच ओपन एंड कंफर्टेबल, बिकॉज मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ जब कोई शूट होता है। तो इन लाइव कॉन्सर्ट्स या इन रिकॉर्डिंग्स आई एम मच मोर
वेरी हैप्पी एंड लाइक माय ओन व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद शूटिंग्स. ये कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर इट इज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं वो कभी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि मैं कभी ये करूं, क्योंकि आई नो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दैट. सो आई एम हैप्पी व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आप दोनों लोग स्क्रीन पे हैं हमारे सामने और सीतारमन का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दो लाइनें ऑडियंस के लिए बनती तो हैं। श्योर. ओ सीता तेरा रहूंगा वादा है, इश्क मुझे थोड़ा नहीं है ज्यादा है, आओ थामो जरा हाथ मेरा, लेके चलो तुम्हें हम सफर, रारी रा 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 रे तेरा मेरा रा रा रा, तेरा जहां मेरा जहां अब एक है नहीं जुदा होगा. ओ रामा तुझे ही रब माना है, जन्मो जन्म तुझे ही मैंने पाना है, चेहरा तेरा मेरे सामने हो, मुझसे बोले मेरी ये नजर, दुनिया देखे मुझे सारी, तुझ में तेरा होने लगा जो असर, मैं तेरी तू मेरा सदियों तक यही लिखा होगा, ओ सीता तेरा वाह, रहूंगा पता है. हाँ ओ रामा तुझे ही रब माना है। थैंक अनविशा, एक यू डिमांड आई है दर्शकों की तरफ से, चलते चलते दो लाइनें वो भी गुनगुना दीजिए, दिए जल उठते हैं। अरे बाप रे, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और वाह. नयन में दिए जल उठते हैं, आ जा पिया आ जा तेरे ही जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी, बितानी तेरे साए में, साए में। वाह, बहुत थैंक खूब, बहुत बहुत यू. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप यूं ही गुनगुनाते रहिए, आप यूं ही हमें धन्यवाद. एंटरटेन करते रहिए, आज के लिए बस इतना ही। तो ये था सुरों की एक महफिल जो हम आपके लिए लेकर आए थे, आज के लिए भी बस इतना ही, अपना रखें ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ सुरों के दो सितारों।